नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनाली। कानपुर हिंसा मामले में पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। हिंसा भड़काने वालों को कानून के दायरे में लाने के लिए पुलिस एक्शन मोड में है। 3 जून को हुई हिंसा मामले में पहले ही इस मामले के मुख्य आरोपी बताए जाने वाले हयात जफर हाशमी को गिरफ्तार किया था। इसके बाद से लगातार गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है। अब हिंसा के लिए क्राउड फंडिंग के आरोपी बिल्डर हाजी वसी को गिरफ्तार किया गया है। 3 जून को जुम्मे की नमाज के बाद बेकनगंज थाना क्षेत्र के नई सड़क इलाके में हुई हिंसा के मामले में पुलिस ने 2 दिन पहले हाजी वसी के बेटे अब्दुल रहमान को गिरफ्तार किया था। अब्दुल रहमान ने कई अहम राज खोले थे। इस रिपोर्ट में देखिए। कानपुर में नई सड़क हिंसा में क्राउड फंडिंग करने के आरोपी बिल्डर मोहम्मद वसी को क्राइम ब्रांच और एसआईटी की टीम ने देर रात लखनऊ अमौसी एयरपोर्ट के पास से गिरफ्तार कर लिया है। वसी को कानपुर लाया गया, जहां 3 जून को नई सड़क में पथराव आगजनी हुई थी। इस मामले में पुलिस ने हयात जफर हाशमी समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। घटना में फंडिंग करने वाले बाबा बिरयानी के मालिक मुख्तार बाबा को भी गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है। मुख्तार बाबा और हयात जफर हाशमी से पूछताछ में बिल्डर मोहम्मद वसी का नाम सामने आया था, जिसके बाद पुलिस ने उसके खिलाफ NWU ले लिया था। क्राइम ब्रांच और SIT की टीम पिछले 15 दिनों से वसी की तलाश कर रही थी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक मोहम्मद वसी ने दिल्ली में फरारी कटी के बाद वो लखनऊ आ गया। यहाँ से वो विदेश भागने की फिराक में था, जिसके लिए उसने दस्तावेज तैयार कर लिए थे। बिल्डर से पूछताछ कर पुलिस ये जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही है कि उसने किसको, कब, कैसे और कहाँ पर फंड उपलब्ध कराया। फंडिंग करने में उसे कहीं से निर्देश मिले थे कि नहीं। बिल्डर के नाम के साथ कई पुराने आपराधिक मामले भी जुड़े हुए हैं। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक इन सभी मामलों में जांच पड़ताल कर उसी के तहत आगे की कार्रवाई की जाएगी, पर उसे पूछताछ जारी है। जॉइंट CP आनंद प्रकाश तिवारी ने बताया कि बिल्डर मोहम्मद वसी को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसे पूछताछ के बाद कोर्ट में दाखिल कर जेल भेजा जाएगा। वो फंडिंग का आरोपी है और उसके खिलाफ जो भी सबूत मिले हैं उन्हें विवेचना में शामिल किया जाएगा। पुलिस ने क्राउड फंडिंग में आरोपी बिल्डर हाजी वसी पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। पुलिस ने लगातार छापेमारी कर उसके कई करीबियों को हिरासत में लिया है। साउथ कमिश्नरेट थाने में वसी के करीबियों से पूछताछ हुई। इस पूछताछ में उसके ठिकाने का पता चला और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस वसी से कई अहम राज उगलवा सकती है। क्राउड फंडिंग में फंडिंग करने वालों के नाम और पैसे कहां कहां गए, ये सारी जानकारियां पुलिस उससे उगलवा सकती है। CM योगी आदित्यनाथ ने इस घटना के बाद पुलिस को सभी आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई का आदेश दिया है। इस रिपोर्ट में मेरे साथ इतना ही। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए कैपिटल TV उत्तर प्रदेश के साथ। नमस्कार।